नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार वासियों को पानी में मौजूद आर्सेनिक कर रहा है बीमार। बिहार भाजपा ने बनाई नई कोर कमेटी। बिहार पुलिस के 6 अधिकारियों को मिला प्रमोशन। बिहार के 2 IAS गए दिल्ली। आज समूचे बिहार में मनाया गया प्रतिबंधित दिवस। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बिहार में यूनिवर्सिटी में हो रहे घोटालों पर मांगा जवाब। बिहार में हाल के दिनों में आधा दर्जन से अधिक घोटालों की खबरें सामने आई है। बिहार के विश्वविद्यालयों के भ्रष्टाचार के अड्डे में तब्दील हो जाने के बाद नीतीश सरकार हरकत में आई है, जिसके बाद ही बीते दिन राज्यपाल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यपाल फागू चौहान के सामने बिहार के विश्वविद्यालयों में घोटालों की लंबी फहरिस्त रख कर पूछा कि आखिरकार वहां हो क्या रहा है। इसके साथ ही राजभवन की एक साथ 4-4 यूनिवर्सिटी के कुलपति की कुर्सी संभालने वाले सुरेंद्र प्रताप सिंह से लेकर मगध विश्वविद्यालय के VC राजेंद्र प्रसाद के काले कारनामों की पूरी सूची केंद्र सरकार के पास पहुंची है। अब इस मामले में जल्द ही कोई ठोस निर्णय लेने की जानकारी सामने आ सकती है। बिहार के 2 IAS गए दिल्ली। बीते दिन बिहार के 2 IAS अधिकारियों को केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया, जहां इन दोनों IPS अधिकारियों को केंद्र सरकार के मंत्रियों का आप्त सचिव बनाया गया है। दोनों IAS अधिकारियों में से एक को गिरिराज सिंह तो दूसरे को जितेंद्र सिंह का आप्त सचिव यानी कि PS बनाया गया है, जिसके तहत 2009 बैच के IAS अधिकारी रमन कुमार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का PS बनाने की घोषणा हुई है। तो वहीं पटना नगर निगम के आयुक्त हिमांशु शर्मा को केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का PS बनाने के लिए बिहार सरकार ने विरमित किया है, जिसके बाद बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम और बिहार राज्य आवास बोर्ड के MD पद का जिम्मा आनंद किशोर को सौंप दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के OSD के तौर पर लंबे अरसे से काम कर रहे भारतीय वन सेवा के अधिकारी गोपाल सिंह को मुख्यमंत्री के OSD पद से हटाकर मुख्यमंत्री सचिवालय का OSD बनाया गया है। बिहार पुलिस के 6 अधिकारियों को मिला प्रमोशन। बीते दिन बिहार के प्रशासनिक कार्यालय ने बड़ी जानकारी निकाल कर के सामने लाई है, जिसके तहत बिहार पुलिस सेवा के 6 अधिकारियों को प्रमोशन मिला है और उन्हें IPS बना दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनके प्रमोशन को मंजूरी दे दी है और प्रोन्नति मिलने वाले अधिकारियों के नाम की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें विश्वजीत दयाल, विजय कुमार, केशव यादव, विद्यासागर, अनंत कुमार राय और राजेश कुमार के नाम शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये वैसे अधिकारी हैं जो लंबे अरसे से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ महीने पहले ही प्रोन्नति मिल गई थी, लेकिन विभागीय कारणों के कारण उस वक्त प्रमोशन नहीं मिल पाया था, लेकिन अब इन सभी को प्रोन्नति मिल गई है। आज समूचे बिहार में मनाया गया प्रतिबंध दिवस। 26 नवंबर कई मायनों में इतिहास के पन्नों में अपनी जगह पहले ही बना चुका है। साल 2008 में 26/11 का वो मंजर आज भी याद है, जिसके बाद अब बिहार ने भी आज की तारीख को इतिहास के पन्नों में नए रिकॉर्ड को बनाने के लिए दर्ज किया है, क्योंकि आज बिहार सरकार की सबसे बड़ी योजना शराबबंदी कानून को लागू करने का संकल्प लिया गया था, जिसके तहत आज बिहार सरकार के कर्मचारी और राज्य के लोग 26 नवंबर को प्रतिबंध दिवस के अवसर पर शपथ लेते देखे गए कि वह शराब का सेवन नहीं करेंगे। इस दौरान सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को यह निर्देश दिया गया है कि शराब पर प्रतिबंध को पूरे प्रदेश में उचित तरीके से लागू किया जाए। हालांकि शराब बंदी बिहार में विफल क्यों हुई, इसको लेकर भी सवाल लगातार उठाए गए हैं, जिसके बाद अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले समय में बिहार सरकार की यह कोशिश रंग लाए। बिहार में बढ़ सकती है सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध की समय सीमा। केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक अगले साल जुलाई महीने से यानी कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं की खरीद बिक्री और मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लग जाएगा। तो वहीं बिहार में 15 दिसंबर से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना है, लेकिन अब जो जानकारी निकल के सामने आई है उसके अनुसार केंद्र की तर्ज पर बिहार में भी 15 दिसंबर की समय सीमा को अगले साल तक बढ़ाने की मांग की जा रही है, जिसके संकेत पर्यावरण मंत्री ने दिए हैं। बिहार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह ने बताया कि बिहार सरकार व्यवसायियों की मांग पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि व्यवसायियों से उनसे संपर्क किया गया है और अपनी परेशानियों का जिक्र किया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उम्मीद यही जताई जा रही है कि बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की समय सीमा में विस्तार हो सकता है। बिहार में बंपर वैकेंसी, 45,892 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति। बिहार में सरकारी स्कूल के शिक्षक भी प्रधानाध्यापक बन सकते हैं। वेतनमान भी पूर्व निर्धारित सरकारी मानदंडों के अनुरूप ही होगा। प्रदेश में पहली से पांचवी कक्षा 40,558 प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य और 5,334
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के जरिए की जाएगी। वहीं दोनों पदों के लिए 100-100 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के आधार पर किया जाएगा। इस संवर्ग के लिए अलग से वेतनमान वित्त विभाग के द्वारा तय किया जाएगा कि प्रधानाध्यापकों को जो वेतनमान दिया गया था। सबसे खास बात यह है कि नई नियुक्तियों में निजी स्कूल के शिक्षकों को कुछ शर्तों के साथ नौकरी दी जाएगी। इसके तहत ICSE, CBSE या बिहार बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक जिनके पास शैक्षणिक और प्रशिक्षण की डिग्री है और प्लस टू में 10 साल या 9वीं और 10वीं में न्यूनतम 12 साल का शैक्षणिक अनुभव है, उनको प्रधानाध्यापक पद के लिए पात्र माना जाएगा। अनंत सिंह ने खुद को बताया निर्दोष। AK-47 और हथियार बरामदगी मामले में MP MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के समक्ष बिहार के मोकामा से RJD विधायक अनंत सिंह अपना बयान दर्ज करवाए, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मेरा पुस्तैनिक घर बाढ़ थाना इलाके के नदवा में है। मैं पुस्तैनिक घर पर नहीं रहता हूं, मैं कई सालों से पटना स्थित सरकारी आवास में रहता हूं। इस दौरान वे नदवा 2 बार गए थे, पहली बार बेटी की शादी के लिए और दूसरी बार भाई के श्राद्ध में। उन्होंने कोर्ट में कहा कि इस मामले में मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है। इतना ही नहीं, अपने बयान में अनंत सिंह ने केयरटेकर अनिल राम को पहचानने से भी इनकार कर दिया और कहा कि मेरे पुश्तैनी घर की देखरेख अनिल राम नहीं करता है और ना ही उसे हम जानते हैं। बिहार में पानी के ऊपर बनेगा तैरता पावर हाउस। ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ा है। अब कोयले को छोड़कर सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार सोलर बिजली पर काम करके आगे बढ़ी है। आलम कुछ यूं है कि बिहार सरकार इन दिनों सोलर प्लांट को बिहार भर में लगाने पर बढ़ावा दे रही है। यही कारण है कि हाल ही में सरकारी भवनों के छत पर सोलर प्लांट लगाने के निर्णय के बाद अब बिहार सरकार ने फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत जल्द ही बिहार में आपको पानी के ऊपर तैरता हुआ पावर हाउस दिखाई देने लगेगा, जिससे यही माना जा रहा है कि बिहार में आने वाले समय में बिजली की समस्या दूर होने वाली है। इसको लेकर राज्य के 2 जिलों दरभंगा और सुपौल में अनोखा सोलर पावर प्लांट का काम शुरू कर दिया गया है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट के बन जाने से फायदा ये होगा कि सोलर प्लांट खुद से कूलिंग भी होते रहेगा। लगातार खराब हो रही है पटना की आबोहवा। अब तक जब भी प्रदूषण की बात होती थी अक्सर आपके जहन में दिल्ली और अन्य राज्यों के नाम आते होंगे, क्योंकि वहां लोगों के तौर तरीके ऐसे ही है। लेकिन जब इस सूची में पटना जैसे शहर के नाम आए तो आश्चर्य होना लाजमी है, लेकिन यह सच है। पटना की वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार बढ़ रही है। गुरुवार की बात करें तो पटना का सूचकांक 284 हो गया है। 2 दिन पहले पटना का सूचकांक 264 था। हर दिन सूचकांक बढ़ने का असर पटना की हवा पर पड़ रहा है। हवा बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। चिंताजनक बात यह है कि सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि छपरा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पूर्णिया, भागलपुर, राजगीर, सासाराम का भी हाल बेहाल है। बिहार में मिले कोरोना के 10 से कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 6 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कुल मिलाकर एक्टिव मरीजों की संख्या 45 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो किशनगंज में 1, लखीसराय में 2, सिवान में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अगर हम बीते दिन के पिछले 24 घंटे की बात करें तो कुल 187,025 सैंपलों की जाँच की गई, तो वहीं 1 भी मरीज ठीक होकर अपने घर वापस नहीं लौटे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपी कुलपति को तुरंत बर्खास्त करे राजभवन। इन दिनों मगध विश्वविद्यालय के कुलपति को लेकर लगातार विवाद जारी है। राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मगध विश्वविद्यालय के कुलपति को बर्खास्त किए जाने की मांग की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि निगरानी विभाग के छापे में उनके परिसरों से 95 लाख रुपए नकद और 1 करोड़ की संपत्ति के कागजात बरामद होने के बाद उन्हें अविलंब बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मजहरुल हक विश्वविद्यालय के पूर्व प्रभारी कुलपति के खिलाफ वर्तमान कुलपति ने कॉपी खरीद घोटाले के जो आरोप लगाए हैं उनकी भी त्वरित और निष्पक्ष जाँच कराई जानी चाहिए। NDA सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही चलेगी। बिहार वासियों को पानी में मौजूद आर्सेनिक कर रहा है बीमार। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक हर घर नल का जल योजना है। इस परियोजना के तहत सरकार ने अब तक 97% घरों में हर घर नल का जल पहुंचाने का काम किया है। सरकार यह दावा करती आई है कि लोगों को अब बिहार में स्वच्छ जल पीने को मिल रहा है। हालांकि दावों की हकीकत कुछ और ही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के 18 जिले ऐसे हैं जहां लोग आर्सेनिक युक्त पानी पीने को मजबूर है। राज्य के 18 जिलों के 67 प्रखंडों के 1600 टोले आर्सेनिक प्रदूषण की जद में आ चुके हैं और लोग गंभीर बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं। इसको लेकर राजद विधायक और पार्टी के प्रवक्ता रामानुज प्रसाद ने कहा है कि मैं भी उसी इलाके से आता हूं जहां के लोग जहरीले पानी पीने को मजबूर है। लालू यादव ने नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब जाने की दी नसीहत। बिहार की राजनीति में अब लालू प्रसाद यादव भले ही पहले की तरफ शारीरिक तौर पर एक्टिव ना हो, लेकिन बात जब व्यंग की और बयानबाजी की आती है तो लालू यादव एक भी मौका नहीं गंवाते हैं चौका छक्का मारने के। इसी कड़ी में चारा घोटाला मामले में सुनवाई का हिस्सा बनने बिहार आए लालू प्रसाद यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हालांकि जाते जाते भी उन्होंने सरकार का घेराव ही किया, जिसके तहत मीडिया से बातचीत के दौरान
उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार विकास की बात करते हैं लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा में बिहार फिसड्डी है। नीति आयोग के रिपोर्ट पर लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में नीति आयोग ने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया है जिसमें बिहार कई श्रेणियों में निचले पायदान पर पाया गया है, जिसके बाद से ही बिहार की स्थिति पर चर्चा तेज हो गई है। बिहार भाजपा ने बनाई नई कोर कमेटी। बीते दिन बिहार भाजपा ने प्रदेश कोर कमेटी की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है, साथ ही साथ प्रदेश चुनाव समिति की भी घोषणा कर दी गई है। बीजेपी की जारी सूची में कोर कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, राधा मोहन सिंह, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, रविशंकर प्रसाद, सुशील कुमार मोदी, प्रेम कुमार, नंद किशोर यादव, अश्विनी कुमार चौबे, मंगल पांडे, सैयद शाहनवाज हुसैन, भीकू भाई दलसानिया, नबल किशोर यादव, जनक राम, सम्राट चौधरी और राजेंद्र प्रसाद गुप्ता शामिल किए गए हैं। तो वहीं प्रदेश चुनाव समिति में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, राधा मोहन सिंह, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अश्विनी कुमार चौबे, रविशंकर प्रसाद, सुशील कुमार मोदी, नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार, मंगल पांडे, भीकू भाई दलसानिया, प्रेम रंजन पटेल, जनक राम समेत अन्य के नाम शामिल हैं। आगामी आईपीएल में कई खिलाड़ियों को किया गया रिटेन। जल्द ही आईपीएल टीमों को रिटेन किए गए खिलाड़ियों के बारे में जानकारी देनी होगी। बीसीसीआई ने सभी 8 आईपीएल टीमों के लिए नए रिटेंशन नियम की पुष्टि कर दी है। नए रिटेंशन पॉलिसी के तहत अभी सभी 8 टीमों को 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति होगी। इन 4 खिलाड़ियों में से 3 भारतीय और 1 विदेशी खिलाड़ी या फिर 2 भारतीय और 2 विदेशी खिलाड़ी को टीम में रिटेन कर पाएंगी। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक पंजाब किंग्स की कप्तानी करने वाले शानदार बल्लेबाज केएल राहुल पंजाब का साथ छोड़ देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली की टीम कप्तान ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, पृथ्वी शॉ और अफ्रीकी एक्सप्रेस एनरिक नॉर्जे को रिटेन करने वाली है। सीएसके ने अपने दिग्गज कप्तान एमएस धोनी को अगले 3 सीजनों के लिए रिटेन किया है। उनके अलावे स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और 2021 सीजन में ऑरेंज कप होल्डर रहे ऋतुराज गायकवाड़ को रिटेन किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार के कई शहरों की आबोहवा को खराब होने से रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने की जरूरत है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।